बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अमरीन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अचार गोश्त। एक कप हमने ऑयल डाला है इसमें। ये अचार गोश्त का मसाला है, पैकेट का लिया मैंने। दो चमचे निकालने हैं अलग से। गोश्त डाल के फ्राई कर लिया मैंने। इसमें मसाला डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच, उसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। अब थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाली है मैंने, कम लग रही थी। तीन कप पानी डाले हैं मैंने इसमें, आप अपने अंदाजे से डाल दीजिएगा। कवर करके रख देंगे इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये मोटी वाली मैंने 6 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। इसमें से बीच में से हम काट के इसमें नींबू का रस मिला के और ये हरी मिर्चें भरेंगे मसाले। एक बड़े साइज़ का नींबू लेके मैंने इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। टमाटर लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के। अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे टमाटरों का और शामिल कर देंगे इस मसाले में। दही लिए 1 कप, वो डाल देंगे इसमें। गोश्त अच्छी तरह गल जाए तकरीबन थोड़ा, तो फिर हम इसमें 1 कप दही डाल के अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अच्छा, 1 चम्मच मैंने इसमें कचरी पाउडर का भी डाला था ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से भुनने लगा है गोश्त, देखें। अब टमाटर डालूंगी मैं, जो पीस के रखे थे मैंने टमाटर। 2 कप टमाटर पीस के रखे हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे मैंने। अच्छी तरह भूनेंगे इसको। गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, थोड़ा और कवर करके रखेंगे इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए। ऑयल ऊपर आ चुका है, देखें, अच्छी तरह भून गया इसको। अच्छी तरह और भून लेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और कचरी पाउडर अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और हल्के आंच पर इसको दम पे रख देंगे। मिनट के लिए रखेंगे हम, देख सकते हैं आप। देखें, हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब डिश आउट करूंगी मैं इसको। अचार गोश्त हमारा बनके तैयार हो चुका है। हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दे सकूं। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।